नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगी थी। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए थे। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इन पांच बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, वो हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है, इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, दूसरी बात, श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं की आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। तीसरी बात, मन पर कंट्रोल। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाले विकार की चिंता और इच्छाओं को दूर कर सकता है। साथ ही व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन पर काबू कीजिए, अपने मन को अपने हिसाब से चलाइए, उसके हिसाब से मत चलने दीजिए। क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति सब कुछ खो बैठता है और गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी न कभी गुस्से में व्यक्ति खुद को अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर कभी हावी ना होने दें। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत करने का प्रयास करें। चौथी बात, स्पष्ट नजरिया। गीता के अनुसार दोस्तों, संदेह या संचय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संचय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। दोस्तों, पांचवी और सबसे जरूरी बात, रिश्ते सबसे बनाइए मगर निभाइए उससे जो आपसे निभाए। दोस्तों, दुनिया बहुत मतलबी है, आप उसके साथ चलना सीखिए जो आपके साथ चलता है। अगर आपको ऐसे जानकारी पानी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।